सो हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। होप सो सब लोग ठीक ठाक हो, अच्छे से। और सुबह के यहाँ पे बज रहे हैं 6:30 और मैं निकल चुका हूँ फिर नए सफ़र पे। तो आज का सफ़र कुछ अलग है और कुछ नई जगह पे है। तो होप सो आपको ये जगह पसंद भी आएगी और आपको अच्छा भी लगेगा। सो चलिए इस नज़ारे का लुत्फ उठाते हुए आगे बढ़ते और धीरे धीरे इस आगे चीज़ों को एक्सप्लोर भी करना शुरू करते हैं। थैंक यू। સો તમે બધા કેમ છો? હું સબ સારું છે, હું તમે પણ સારું છે। સો વેરી ગુડ મોર્નિંગ ટુ એવરીવન, હોપ સો ઓલ ડુઇંગ સો વેલ। સબ ઠીક ઠાક હો, સબ અચ્છે સે હો ઓર સબ અચ્છા ખાસા કુછ લાઈફ મેં કર રહે હો। ઇસી કે સાથ મેરા એન્ટ્રી તો હો ચુકા હૈ ગુજરાત મેં, જો એક રાજ્ય સે દૂસરે રાજ્ય મેં મેને થી થર્ડ મેરા મેને એક યે કમ્પ્લીટ કિયા હૈ। ઇસકે પહેલે મેને કર લિયા થા નાશિક, અપના મતલબ ભુસાવલ કમ્પ્લીટ કર લિયા થા, જો અપના દેખા ભી થા। उसके बाद मैंने किया था अपना दापोली, उसके बाद ये मेरा सबसे थर्ड लॉन्ग टूर जा रहा है जो मेरा है अपना सिलवासा के लिए। तो बेसिकली गाइस मैं सिलवासा पहुंच चुका हूं और पहुंच के मुझे तो आपने काफ़ी आफ्टर शूट देख ली, मैं पहले वाले सब चीज़ें देख ली होंगी। अब मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ, जिस होटल में पहुंचा हूँ उसके बारे में थोड़ा सा आपको निष्पर्ष कर देता हूँ। बट इसके पहले कुछ बोलना चाहता हूँ यहाँ की भाषा के, यहाँ के राज्य के लोगों के बारे में। ये भाषा ऐसी है जिसमें मिठास काफ़ी है, नमकीन सी थोड़ी इसमें नमक है, बट इनकी भाषाएं उतनी ही मीठी हैं। यहाँ के राज्य, यहाँ के डांस काफ़ी ही राज्यों में प्रसिद्ध है। लोग गरबा के डांस जब झूम जाते हैं तो फिर कहते हैं कि अरे यार गरबा तो वो गरबा था जो गुजरात का था। इसी के साथ आप सबका स्वागत करता हूँ फिर से इस नए व्लॉग में। दैट इज़ योर सीज़न, या बोल सकता हूँ पार्ट चल रहा है मेरा, जो बेसिकली आप लोग के लिए मैं फिर से कहीं दूर आपके प्यार और आपके सपोर्ट से। इसके अलावा एक और चीज़ आप सबका तहे दिल से मैं शुक्रिया करता हूँ, जिसके लिए अपने लास्ट के दो व्लॉग में कमेंट इतने कर दिए हैं आपने, इतने प्यार दिखा दिया, इतना आपने सब्सक्राइब सपोर्ट शेयर कर दिया ना कि दिल भर चुका है। बट अभी भी कुछ लोगों ने देखा है वीडियो बट सब्सक्राइब नहीं किया। ठीक है, आपको जब मेरा काम अच्छा लगेगा, जब मेरी चीज़ें पसंद आएगी, जब मेरे मेरा कंटेंट पसंद आएगा, अब बेझिझक आप मेरे चीज़ चैनल को सपोर्ट कर सकते हो, प्यार दिखा सकते हो। कुछ आपको कमियां लग रही है तो आप वो भी बता सकते हो। ठीक है, इसी के साथ आज का पूरे दिन का जो मेरा शेड्यूल है डे वन का, वो है एक तो पहला आपके लिए पूरा होटल का व्लॉग दिखा देता हूँ अच्छे से, क्योंकि हर व्लॉग में मैं कहीं ना कहीं पे कुछ गलतियाँ कर देता हूँ। इसी के साथ सेकेंड जो मेरा पार्ट होगा उसमें मैं यहाँ के तीन मेन अट्रैक्शन चीज़ों पे मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ, जिसमें से दो चीज़ें यहाँ की बंद है, काफ़ी मुझे अफसोस हो। दैट इज़ योर लायन सफारी एंड डियर पार्क। बंद है यार, शिट बंद है वो, बट कोई बात नहीं, हम फिर कभी आएंगे यहाँ पे, फिर कभी एक्सप्लोर करेंगे और उस टाइम पे काफ़ी बड़ा ट्रिप निकालेंगे। ठीक है, इसे शुरुआत करता हूँ। चलिए इसी के साथ हम लोग अब चलते हैं आगे की तरफ में, और आगे की तरफ में देखते हैं ये होटल है कैसा, कैसा मुझे होटल मिला एंड क्या क्या यहाँ के अमेनिटीज। ठीक है, चलिए। सो ये बेसिकली यहाँ का आपको प्लेइंग एरिया मिल रहा है बच्चों के लिए, किड्स के लिए, वहाँ पे आप बैठ सकते हो आराम से। बट इसी के साथ एक चीज़ की खूबसूरती दिखाऊँ आपको मैं, जो चीज़ यहाँ पे काफ़ी अच्छी लग रही है, क्या बताऊँ, ये झरना यार बड़ा ही सुहाना, मतलब इसकी आवाज़ें जो है ना यार, आप खुद सुन के फील करो, चलो क्या ही नज़ारा, मतलब ये नज़ारे यहाँ के ना क्या ही है। देखिए पूरे झरने यहाँ से, पूरा एक्चुअली डायरेक्टली ये दीव दमन के यहाँ से ही पास हो रहा है ये पूरा, पर ऐसा कुछ यहाँ पे पार्किंग सिस्टम इन्होंने किया है
ये इनकी 3 स्टोरीज की पूरी बिल्डिंग है, मतलब रिसॉर्ट्स हैं यहाँ पे। आपको 3 टाइप्स के रूम मिलते हैं, एक तो डिलक्स मिलता है, एक स्वीट रूम मिलता है और एक आपको ऑफिशियल वर्किंग स्टेज रूम मिलता है, मतलब जो बेसिकली बड़े बड़े यहाँ पे कंपनीज वगैरह के हॉलीडेज वगैरह के उसकी चीज़ें। अब इसी के साथ यहाँ से आपको स्ट्रेट एक तो एक एंट्रेंस मिल रहा है, जो ये मेरे मतलब रिसॉर्ट का मेन ये प्लेइंग एरिया सबके लिए किया गया, इंडोर प्लेइंग्स वगैरह एज वेल एज आप वहाँ पे आउटडोर प्लेइंग भी कर सकते हो। वहाँ पे लॉन है, स्विमिंग पूल भी है मुझे इसमें, और काफ़ी चीज़ें वहाँ पे। तो हम लोग एक बार वहाँ पे पहले जाके ले गए वहाँ की चीज़ें, फिर उसके बाद हम आपको मैं एंट्रेंस दिखाऊंगा। यहाँ से मेरा एंट्रेंस है टूवर्ड्स होटल के लिए, यहाँ से मेरे रूम्स वगैरह। बाकी बहुत ही चीज़ें इस होटल में काफ़ी है, बट एक चीज़ मुझे अच्छा लगा इस होटल में कि मुझे उन्होंने ना एक पैकेज में सब चीज़ें मुझे एकोमोडेट करके दी है, जिसके मुझे इतना सोचना नहीं, टेंशन नहीं लेना है। ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ उन्होंने उसमें करके दिए। चलो आगे देखते हैं। ये आपका है स्विमिंग पूल, ये है आपका स्विमिंग पूल एरिया। यहाँ पे मतलब ओकेजनली पार्टीज वगैरह, लॉन्स वगैरह, मैरिज हॉल वगैरह, ये इनका ऊपर का बोलते ना कि एक स्मॉल हॉल है, ट्रेन हॉल, और यहाँ पे अपना आपका इंडोर गेम्स का भी ऊपर स्लॉट्स उन्होंने करके रखा। बाकी ये तो चीज़, और यहाँ के नज़ारे क्या ही पीस है। मतलब आप ऐसे एवरेज में हो जहाँ पे आपको बहुत शांति है। और इसके अलावा उसके बाजू में कार्नवेल रिसोर्ट है, जो ऑलमोस्ट हर टाइम फुल ही रहता है। ठीक है, चलो मैं आपको रिसेप्शन दिखा देता हूँ एंड बाकी आपको मैं आगे के इंट्रोज दे देता हूँ। तो ये यहाँ का कुछ ऐसा रिसेप्शन एरिया है बेसिकली। अब अगर आप आ रहे हो ना यहाँ पे, तो आपको एक तो प्रायर ऑनलाइन बुकिंग करना पड़ता है, यहाँ पे इनको कॉल करके इनके लिंक पे साइड है वहाँ पे। ये मेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस अपने यहाँ पे पूरा यहाँ का है, और ये ड्रू सर है यहाँ के, जो मतलब जिन्होंने मेरा पूरा बुकिंग वगैरह मैनेज किया, जिन्होंने मेरे को पूरा एक फैसिलिटी दी है। ये यहाँ के मेन मतलब मैनेजमेंट यहाँ है। बाकी यहाँ पे आपको ये प्ले रूम मिल रहा है, गेस्ट रूम का वेटिंग रूम यहाँ पे कर सकते हो, बाकी इंडोर गेम्स आपको दिख ही रहे हैं यहाँ पे, स्लॉट्स गेमिंग वगैरह यहाँ पे आपके। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे आपको कुछ इनका आप जब भी यहाँ पे विजिट करते हैं, इनके मेन्यूज अपडेट होते रहते हैं, इनके पूरे यहाँ के शेड्यूल्स हैं, जैसे भी पैकेज ले रहे हो। फिर उसके अलावा ये चीज़ इनकी रिसॉर्ट मतलब इनके रेस्टोरेंट्स में, तो यहाँ पे आपको बफे सिस्टम्स मिलते हैं पूरे खाने के लिए, देख सकते हो। अनलिमिटेड यू कैन हैव योर फूड ओवर हियर, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे हैं। इसके ही साथ एक और चीज़ इनके पास है, जो मतलब देखने में कॉनिकल शेप में ऐसे में आ रही है, बट काफ़ी अच्छी भी यहाँ की, दैट ये यहाँ की इनकी इनर ब्यूटी क्या ही है। देखिए मुंबई से कितना है, गुजरात से कितना है, अहमदाबाद से कैसा है, मैं आपको ये पूरा डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, और कैसे यहाँ तक पहुँचना है वो भी दिखा दूंगा। तो चलिए पहले हम लोग मेरा रूम टू देखते हैं। चलिए बेसिकली आप यहाँ से लैडर से भी ऊपर आ सकते हैं, यू हैव अ प्रोसेस टू दोनों सोर्सेस, मुझे तो लैडर ही मैं चूज कर रहा हूँ। ये ऐसा कुछ मेरे रूम के सामने का व्यू है, अलग ही पीस है यहाँ, मतलब अलग ही, मतलब एक बोलते ना अलग ही फीलिंग होती है ना, अब कहीं पे जा रहा है ऐसा सुकून चाहिए, सब कुछ अलग ही। बाकी ये वाटरफॉल मेरे रूम से भी काफ़ी अच्छा दिखता है, बहुत ही प्यारा है, इसकी आवाज़ है काफ़ी अच्छी, इसकी आवाज़ है, मतलब पीस मिलता है ना माइंड ऑफ पीस को, कहने की वो चीज़ें हैं। उसके बाद आपको मैं मेरा रूम दिखा देता हूँ, मेरा रूम नंबर है 220, ये मेरा रूम है, जिन सबको ये मिलता रहता है। यहाँ से भी आप व्यू का लुक उठा सकते हो, देखिए सेम चीज़ें। बाकी बेड, टीवी सेम यहाँ पे भी वही चीज़ है। हाय, ये आपको बाथरूम नॉर्मल टॉयलेट, वैसे टॉयलेट जैसा। तो एक चीज़ मुझे और अच्छा लगा है कि ये व्यू सुबह के
मुझे मतलब क्या ही पता क्यों, बट यहाँ का जो व्यू दिखता है ना यहाँ से रूम से होटल्स का, सन रेज पूरा डायरेक्ट यहाँ पे होते हैं, वो काफ़ी ही अच्छा लगता है, काफ़ी ही चीज़ अच्छी लगती है यहाँ से देखने के लिए। बट इसी के साथ ये चीज़ का ये पार्ट का मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, और आगे मैं आपको मतलब पार्ट टू में, अब हम लोग जो विजिट करने वाले हैं आगे के लिए, वो पार्ट टू में थ्री प्लेसेस हैं यहाँ के पॉपुलर है, स्वामीनारायण टेम्पल, धुंधी लेक एंड अपना ये मधुबन डैम, ये तीन चीज़ें यहाँ की काफ़ी फेमस है। बट इनके चीज़ों में, इन चीज़ों में भी एक सरप्राइज़ आपके लिए रखूँगा, मैं एक चीज़ आपके लिए ऐसी रखूँगा जो आपने देखा है अक्सर, आपने किया भी है, बट बोलते ना कि आपको मैं एक इतने बड़े महाद्वीप सागर पर आपको ना मैं बोटिंग का एक्सपीरियंस करवाने वाला हूँ। तो चलो ठीक है, देखते हैं, मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखो, अच्छे से रहो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो, और अपने काम धंधे पे ध्यान। चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड